कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया। बैठक में मनीष ग्रोवर ने 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बैठक में उन्होंने बूथ लेवल तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाने की बात भी कही। आयुष्मान भारत योजना में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता एसी चौधरी ने अपना नाम आने पर सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री मनीष चौधरी ने कहा कि वो चाहे तो कानूनी कार्रवाई करे, अगर उनका नाम आ गया तो योजना से अपना नाम वापस ले ले और योजना का लाभ ना ले। बता दें, करण दलाल ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर की है कि अभय चौटाला ने विधानसभा में उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इस सवाल के जवाब में मनीष ग्रोवर ने कहा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उन्होंने हरियाणा की जनता को कलंकित किया है। आज हमारी कुरुक्षेत्र जिले की भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, उस बैठक के अंदर कार्यकर्ता को ये संदेश दिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी होती, केंद्र की जो लाभार्थी योजना है वो प्रदेश के काम है, वो जनता तक जाए और कार्यकर्ता हर काम को बूथ तक ले जाने का आज इनको संदेश दिया और वो बूथ तक कार्यकर्ता जाएंगे केंद्र प्रदेश की योजना लेकर। इसलिए आज जिला कार्य समिति कुरुक्षेत्र की मैं एक लोकसभा प्रभारी नाते आज इस काम को देखने आया। हमारा संगठन आज के दिन बाकी दलों से अलग है, क्योंकि यहाँ पहले राष्ट्र की कार्य समिति बैठक होती है, फिर प्रदेश की, उसके बाद जिला, फिर मंडल, अब इसके बाद मंडलों में, फिर शक्ति केंद्र के अंदर ये बैठकें जाएंगी, जिससे हमारा संगठन के द्वारा हम जनता तक बूथों में कार्यकर्ताओं की जो उपलब्धियाँ वो पहुँचाएंगे। अभी एसी चौधरी का नाम आया है तो कानूनी कार्रवाई करने उनको करने का हक है, वो करें, अगर उसको लाभ नहीं लेना तो वापस चला जाए। अब किसी ने नाम उनका दिया होगा, किसी ने सरकार की तो ऐसी कोई है नहीं, ऐसी कोई हमारी धारणा तो है नहीं उनका नाम क्यों, उसकी जांच करवाएंगे, अगर उनके जिसने भी गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो खुद इतने ताकतवर हैं, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को गाली देते हैं, कलंकित कहते हैं, उनसे कोई खतरा, उसको खुद से अपना खतरा डरे हुए हैं। जो आदमी 2.5 करोड़ जनता को कलंकित कहे उसको डरने की जरूरत नहीं, वो खुद इतना ताकतवर है। सरकार के पास जब कोई आएगा उसका जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कल ही आदेश दे दिए मैपिंग कराने के लिए, जिस चीज़ का नुकसान होगा उसकी भरपाई बीमा योजना द्वारा कराई जाए।